नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के जो है ड्यूटी के बाद हुए कोविड के मौत से 30 दिन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही अनुकरणीय फैसला है। इसके संदर्भ में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया हुआ है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कहीं पर भी ड्यूटी किया हुआ है और उस ड्यूटी के 30 दिन के अंदर उसकी यदि मौत हो जाती है तो उसे 15 लाख की बजाय जो है 30 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि उसके आश्रितों को दिया जाएगा। यह सरकार के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है और यह फैसला उस स्थिति में किया गया है जबकि सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लगातार देरी के लिए जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। यद्यपि इसके संदर्भ में एक बात यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि एंटीजन या आरटीपीसीआर, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था, के माध्यम से उसके रिपोर्ट को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये डिटेक्ट हो गया हो कि वह कोविड पॉजिटिव हुआ था। इसके संदर्भ में एक और जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही सरलीकृत किया गया जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि यदि पॉजिटिव हुआ व्यक्ति जो है पूरी तरीके से क्वारंटीन और दवा के बाद जो नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद भी उसकी यदि मौत हो जाती है और चुनाव के 30 दिन के दायरे में, तो भी सरकार उसको जो है 30 लाख रुपए अनुग्रह धनराशि जो है उसके खाते में देगा। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में जो भी अभी तक अफवाहें थी, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे, वो अपने आप में जो है स्पष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय है जिसके माध्यम से उसके परिवार को एक सहायता धनराशि दी जाएगी। यद्यपि यह बात स्पष्ट है कि किसी भी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस सदस्य की आवश्यकता को तो पूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार फिर भी इस तरीके का निर्णय लेकर के एक बहुत ही उदारवादी, बहुत ही कल्याणकारी जो है कदम उठाया है, जिससे कोविड-19 से जो है पीड़ित और मृत परिवार को संभलने का एक अवसर मिलेगा। और इस संदर्भ में जो है प्रशासनिक अधिकारियों से जो है अपेक्षा किया जा सकता है कि वह ऐसे जो है प्रकरणों का तत्काल ट्रेसिंग और ऊपर के उन स्तरों तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि उन परिवारों को तत्काल जो है अनुग्रह की धनराशि उनके खाते में जो भुगतान किया जा सके। तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश सरकार और कैबिनेट के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है संलग्न सरकारी कर्मचारियों के मौत के बाद हुए 30 दिन के अंदर जो है 30 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि देने के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्वागत योग्य जो है कदम है। इसका व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए और मृत परिवार को इससे जो है तत्काल लाभ दिलाने की आवश्यकता है। सभी जो है पक्षों की तरफ से इस कदम का जो है स्वागत किया जाना चाहिए। तो आज की न्यूज बस इतना ही, पुनः अगले न्यूज में हम एक नए और महत्वपूर्ण न्यूज को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।